समेकित क्षेत्र कुशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र गोरखपुर सीआरसी में सोमवार को एक दिवसीय मापन व मूल्यांकन तथा दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके लगभग 250 दिव्यांग जनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। यह शिविर विशेषकर छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम है उनके लिए आयोजित की गई थी। शिविर के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी मौजूद रहे, जबकि NRLM उपायुक्त अवधेश राम और जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी गोरखपुर के NVarma बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि CRC के द्वारा यह एक बहुत ही बेहतर पहल है। उन्होंने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया शासनादेश का भी जिक्र किया, जिसमें 3 वर्ष से कम आयु के दिव्यांगजनों को भी सुविधाएं प्रदान करने हेतु औपबंधिक प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात कही गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आयोजित करने की जरूरत है। इस शिविर को सफल बनाने हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत विशेष शिक्षकों को भी सम्मिलित होने तथा अभिभावकगण को शिविर तक लाने की जिम्मेदारी प्रदान की थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, आपके माध्यम से शिविर लगाया गया है, खास करके उन लोगों के लिए जो 6 साल या उससे छोटे बच्चे हैं,
और किसी न किसी वजह से दिव्यांग हैं, क्योंकि 18 साल से ऊपर का ही दिव्यांग बोर्ड में सर्टिफिकेशन होता है, लेकिन भारत सरकार की एक गाइडलाइन आई जिसमें कि उससे छोटे बच्चों का भी टेम्पररी करके दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी किया जाए, जिससे उन्हें जो लाभ मिलने हैं उससे वो वंचित ना रहे। जैसे कि उनका कॉकलियर इम्प्लांट होना है तो वो 5 वर्ष से पहले ही होना है, और 5 वर्ष से पहले का दिव्यांग का सर्टिफिकेट भी चाहिए तब वो फ्री में होगा। तो उसी लिए मैंने वो कैंप लगवाया है जिसमें CRC ने हमसे रिक्वेस्ट किया था, तो हमारे विशेषज्ञ वहाँ बैठे हैं और वो टेम्पररी सर्टिफिकेट्स उनको इशू करना है, जिससे कि उन बच्चों का जो भी फ़ायदा है, ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन है या कॉकलियर इम्प्लांट कराना है या अन्य कोई जगह पे, CRC में ही उनको कई सुविधाएं दी जाती हैं निःशुल्क, उसके लिए भी उनको सर्टिफिकेट चाहिए, वही कैंप वहाँ चल रहा है। कितने बच्चे कैंप में आए होंगे? लगभग वहाँ 150 बच्चे आए हैं जो विभिन्न उससे दिव्यांग हैं, कुछ मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं जिनका IQ टेस्ट करके कार्य हो रहा है, कुछ गूंगे बहरे बच्चे हैं उनके लिए वहाँ पे जांच हो रही है, कुछ पैदाइशी दिव्यांगता हाथ पैर टेढ़े हैं या मानसिक डेवलपमेंट नहीं है उसके भी बच्चे वहाँ आए हैं, तो इस तरह से कुल काफ़ी बच्चे आए हैं जिनका सर्टिफिकेट इशू होगा।